मूर्तये नमः। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। भगवत पाद श्री शंकराचार्य भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिनायक परात्पर तत्व पर ब्रह्म परमात्मा तथा उन्हीं का भिन्न स्वरूप सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में अनंत श्रद्धा प्रणाम। जैसा कि आप सभी को विदित है, वेदांत भारती संस्थान के द्वारा परम श्रद्धेय परम पूज्य अनंत श्री विभूषित श्री श्री शंकर स्वामी शंकर भारती महास्वामी जी महाराज एवं परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री श्री ब्रह्मानंद भारती स्वामी जी महाराज के द्वारा अद्वैतम समावेश के रूप में सन्यासी समावेश के रूप में द्विदिवसीय जो कार्यक्रम है वो हरिद्वार कुंभ मेला के अंतर्गत ऐतिहासिक और प्राचीन महत्वपूर्ण संस्थान श्री सूरतगिरी बंगला के अंदर समायोजित हो रहा है। एक महान उद्देश्य को लेकर के एक अच्छे संकल्प को लेकर के जिन भगवान शंकराचार्य ने सनातन धर्म को न केवल पुनर्स्थापित किया अपितु भविष्य की दृष्टि से भी भारत को समग्र रूप से जोड़ने के लिए चारों दिशाओं में मठों की स्थापना की। एक संत को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि कितनी दूरदृष्टि थी कि भगवान शंकराचार्य ने पूरे भारतवर्ष की यात्रा की, लेकिन कितनी अद्भुत और विचित्र बात है कि जहां जहां उन्होंने मठों की स्थापना की चार स्थानों में, आज भारत उस सीमा से बाहर उस सीमा के अंदर नहीं, मतलब मठ सीमा से बाहर नहीं गए। भले ही भारत टूट गया पाकिस्तान के रूप में कि बांग्लादेश के रूप में, लेकिन जो चार मठ आचार्य पाद ने स्थापित किए, आज पूरा भारत उतना भारत सुरक्षित दृष्टि से दिखाई पड़ता है। एक अलौकिक दृष्टि थी भगवान शंकराचार्य जी महाराज की। उन्हीं के उपदेशों, उन्हीं के भाष्य, उन्हीं के स्तोत्र जन जन तक कैसे पहुंचाए जाएं, कैसे भगवान शंकराचार्य जी की जयंती के उत्सव में सभी को सम्मिलित करने के लिए प्रेरित किया जाए, शंकराचार्य भगवान की जयंती से सबको कैसे जोड़ा जाए, ऐसा महान उद्देश्य लेकर के परमादरणीय परम श्रद्धेय श्री शंकर भारती महास्वामी जी महाराज का बहुत बड़ा संकल्प, जिन्होंने दक्षिण भारत में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लाख लाख लोगों के बीच में अनेक स्तोत्रों का पाठ करवाया, बड़े बड़े राजनीतिक हस्तियों के बीच में स्वामी जी महाराज ने पारायण किए, पाठ किए, चाहे वो सौंदर्य लहरी हो, चाहे वो विवेक दीपिनी हो, अनेक अनेक स्तोत्रों का पाठ और पारायण किया स्वामी जी महाराज ने। उनका एक संकल्प है कि दक्षिण में जितना प्रभाव दिखाई पड़ रहा है, चूंकि भगवान शंकराचार्य तो पूरे भारतवर्ष के हैं, हम सभी के हैं, तो क्यों ना उस परंपरा को पूरे भारत में प्रांत विभेद को छोड़ करके, भेद को छोड़ करके, सीमाओं को छोड़ करके, एकजुट होकर के और सभी के द्वारा प्रयास हो, दक्षिण और उत्तर का भेद मिट जाए, इस भावना को लेकर के स्वामी जी महाराज कुंभ में पधारे। यहाँ अनेक अनेक महापुरुषों को आमंत्रित किया और बड़े आनंद और हर्ष की बात थी कि कल यहाँ मंच पर पूर्व से भी हमारे प्रणव चैतन्यपुरी जी महाराज यहाँ उपस्थित थे कलकत्ता से, पश्चिम मुंबई से हमारे स्वयं सूरतगिरी बंगला के अध्यक्ष परमाध्यक्ष के रूप में और मुंबई विले पार्ले संन्यास आश्रम बहुत विख्यात है, वहाँ से पश्चिम का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वामी जी महाराज यहाँ उपस्थित थे, स्वामी विश्वेश्वरानंद जी महाराज उपस्थित थे, दक्षिण से आप सब स्वयं यहाँ पधारे ही थे और साथ में हमारे स्वामी चिदानंद पुरी जी महाराज केरला से यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे थे, राजस्थान से हमारे संबित सोमगिरी जी महाराज पधारे थे और आज
बीकानेर के राजगुरु परमादरणीय परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ निर्वाण पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य विशोकानंद भारती जी महाराज यहाँ विराजमान हैं। उत्तर से अनेकानेक संत महापुरुष यहाँ उपस्थित थे, तो एक तरह से स्वामी जी का ये संकल्प तो प्रत्यक्ष रूप में सफलीभूत हुआ कि पूरा भारतवर्ष और सभी दिशाओं से सभी प्रदेशों के यहाँ पर प्रतिनिधि के रूप में सन्यासी विद्यमान थे। ये आनंद और हर्ष की बात है। कल अनेकानेक महापुरुषों ने अनेक अपने विचार रखे। परमार्थ निकेतन के पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज ने बहुत अच्छा विचार रखा कि सोशल मीडिया के माध्यम से, के स्टूडियो के माध्यम से, के टेक्नोलॉजी के माध्यम से न केवल भारतवर्ष में अपितु संपूर्ण विश्व में भगवान शंकराचार्य के संदेशों को, स्तोत्रों को पहुँचाए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। अनेकानेक जगह प्रयास हो भी रहे हैं लेकिन वो संयुक्त रूप से नहीं है, समग्र रूप से नहीं है, उसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए। सभी महापुरुषों ने अपने अपने विचार रखे, उसी सत्र को हम आज पुनः आरंभ करना चाहते हैं। और सबसे पहले मैं निवेदन करता हूँ, श्री मठ के जो हमारे अध्यापक गण हैं वे वेद घोष के द्वारा आज का कार्यक्रम शुभारंभ करें। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। यथा वृक्षस्य संपुष्पितस्य दूरात् गन्धो वात् एवं पुण्यस्य कर्मणो दूरात् गन्धो वात्। यथा सिधारां कर्तेव हिताम वक्रामे यद्युवे युवे हवा विश्वयिष्यामि कर्तं पतिष्यामि इत्येवम् अमृतादात्मानं जुगुप्सेत्। चरणं पवित्रं विततं पुराणं भूतस्तरति दुष्कृतानि तेन पवित्रेण शुद्धेन भूता अतिपाप्मानमरातिन्तरेम। हरिः ओम। वेद घोष के द्वारा अध्यापकों ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। स्वागत उद्बोधन के लिए विद्वान वेंकट रमन भट्ट से मैं निवेदन करता हूं, जो वेदांत भारती के संयोजक हैं, वे आए और स्वागत उद्बोधन करें। श्रुति स्मृति पुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशंकरं लोकशंकरं। अद्वैत परंपरा सन्यासिनां समावेश कार्यक्रमस्य द्वितीय दिने वयं सर्वे अत्र सम्मिलिताः स्मः। अस्माकं आमन्त्रणम् अंगीकृत्य तत्र भवन्तः सर्वे समागताः सन्ति इति वयं तु सन्तुष्टाः। समयस्य दीर्घता भवति इति हेतोः सर्वेषां नामानि न कथ्यन्ते, परन्तु वेदिकाम् अलङ्कृतवद्भ्यः सर्वेभ्यः पूजनीयेभ्यः आचार्यमहामण्डलेश्वरेभ्यः महामण्डलेश्वरेभ्यः महद्भ्यः समागतेभ्यः सर्वेभ्यः यतिवरेण्येभ्यः नमस्कारपूर्वकं हार्द्रं स्वागतं व्याहरामि। अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः पत्रिका प्रतिनिधि जनेभ्यः अपि स्वागतं व्याहृत्य विरमामि। धन्यवादः। मंच की स्वागत परंपरा के अनुसार सबसे पहले निर्वाण पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अनंत श्री महिमा मंडित पूज्य श्री स्वामी विशोकानंद भारती जी महाराज का, हमारे भारत वेदांत भारती के विद्वान ब्राह्मण, उनका स्वागत कर रहे हैं। इसी स्वागत परंपरा के अंतर्गत मैं परमादरणीय परम श्रद्धे परम पूज्य श्री स्वामी मुक्तानंद पुरी जी महाराज का स्वागत करने के लिए ब्राह्मण देवताओं को आमंत्रित करता हूं कि वे उनका भी स्वागत अभिनंदन करें। इसी के साथ हमारे परमादरणीय परम श्रद्धेय आर्ष विद्या मंदिर राजकोट से पधारे
परमादरणीय परम श्रद्धेय श्री स्वामी परमात्मानंद सरस्वती जी महाराज का भी स्वागत करें। वेदांत भारती संस्थान के विद्वान भूदेव स्वामी परमात्मानंद सरस्वती जी महाराज का स्वागत करें। स्वागत परंपरा के बाद सबसे पहले विषय प्रस्ताव के रूप में जो कार्यक्रम के सूत्रधार हैं, कार्यक्रम के संयोजक हैं, कार्यक्रम के सर्वेसर्वा हैं, मैं ऐसे परमादरणीय परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री श्री शंकर भारती महास्वामी जी महाराज से प्रार्थना करता हूं कि वे विषय प्रस्ताव के रूप में अपने विचार अपना विमर्श सभी महापुरुषों के सामने रखें। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, सदा राम रामेति रामामृतंते सदा राममानंद निश्चंदकंदम पिबन्तं नमन्तं सुदन्तं हसन्तं हनुमन्तं अन्तर्भजेतं नितान्तं भव एव भवानिति मे नितरां समजायत चेतसि कौतुकिता मम वारय मोह महाजलधिं भव शंकर देशिक मे शरणम्। ह्यः सभायां त्रिषु विषयेषु विशेषतः चिन्तनं विचारः अस्माभिः अत्र कृतः। अद्य तु अन्येपि विषयाः केचन चिन्तनीयाः, आहत्य एते सर्वेषु कश्चन निर्णयः अपि भवेत् इति कारणतः अहमिदानीं ह्यः ये चिन्तिताः विषयाः तान् परित्यज्य अन्यान् विषयान् इदानीं स्मारयामि। अत्र विशेषतः चर्चा भवति इति नास्ति, किन्तु अस्माभिः ज्ञातव्यमिति कारणतः एतान् विषयान् अत्र इदानीं पुरतः उपस्थापयामि। अस्मिन् विषये उपस्थापनं केवलं भवति। चिदम्बरानन्दसरस्वतीस्वामिनः हिन्दीभाषया अनुवादं करोति, सारं वदन्तु पूर्करने के बाद। ठीक हाँ, अद्यतनविषयः तत्र प्रथमः विषयः एवम् अस्ति, स्वस्वप्रदेशेषु प्रादेशिकभाषया सरलया शैल्या भगवत्पाद उपदेशान् लघुग्रन्थरूपेण प्रकाशनं सर्वेभ्यः वितरणञ्च। यदि समाजे प्रत्येकं वयं प्राप्तुम् इच्छामः उपदेशं गृहीत्वा भगवत्पादानां, तदा तु अवश्यं ते उपदेशं तदा एव जानीयुः यदा तेषां भाषया वयं पुस्तकानि अथवा ग्रन्थान् तेषां समीपं नयामः चेत्। इति कारणतः अयं निर्णयः अस्माभिः सर्वैः स्वीकर्तव्यः इति एकः विचारः। द्वितीयः, इदानीं ह्यः तत्र जवनिकायां स्क्रीन् मध्ये भवन्तः दृष्टवन्तः, वेदान्तभारती अत एव बहूनि पुस्तकानि प्रकाशितानि विशिष्य कन्नडभाषया। जनानां दृष्ट्या, सामान्यजनानां दृष्ट्या नो चेत् इदानीमेव ते ग्रन्थाः प्रकाशिताः सन्ति एव, किन्तु सरलया भाषया अत्यन्तम् आवश्यकमिति कन्नडभाषया अस्माभिः मुद्रिताः ग्रन्थाः, एवमेव अन्यासु भाषासु अपि मुद्रणं भवेदिति विचारः। द्वितीयः, सर्वत्र उपन्यासावसरे शङ्करभगवत्पादैः लिखितानां वाक्यानाम् अवश्यम् उल्लेखः करणीयः। अयं विषयः अहं विशेषतः वक्तुम् इच्छामि। अस्मिन् विषये शृङ्गेरी जगद्गुरुशङ्कराचार्याः एतं विषयं सूचितवन्तः। अयं विषयः शृङ्गगिरिसभायामपि निर्णीतः आसीत्, इदानीमत्र पुनः
अस्माभिः निर्णयः स्वीकर्तव्यः इति श्रीचरणानाम् आशयः अतः एनं विषयम् अहं स्मारयामि तेषाम् आशयः एवमस्ति अस्माकं प्रवचनम् अथवा उपन्यासः यस्मिन् कस्मिन्नपि विषये भवतु भागवतं वा भवतु रामायणं भवतु महाभारतं भवतु अथवा अन्येषु विषयेषु उपन्यासाः भवितुम् अर्हन्ति किन्तु उपन्यासस्य मध्ये यत्र यत्र भगवत्पादानां वाक्यं तत्र संयोज्य वयम् उपन्यासं कर्तुं शक्नुमः तत्र सर्वत्र भगवत्पादानां वाक्यानि भाष्यवाक्यानि वा भवन्तु प्रकरणग्रन्थवाक्यानि वा भवन्तु अथवा स्तोत्राणि वा भवन्तु उल्लिख्य अनन्तरम् अस्माकम् उपन्यासः करणीयः इति तेषाम् आशयः अयं द्वितीयः विषयः तृतीयः विषयः शङ्करदिग्विजयग्रन्थानुसारेण सर्वत्र जनान् भगवत्पादानां जीवनदृष्ट्या जीवनवैशिष्ट्यं किं भगवत्पादानाम् इति विषये सर्वे जनाः अस्माभिः बोधनीयाः अतः तद्दृष्ट्या अस्माभिः सम्भूय विशेषतः प्रयत्नः करणीयः इति एतदपि अयं विषयः अपि शृङ्गेरी जगद्गुरुशङ्कराचार्याणाम् आशयः चतुर्थः विषयः इतः परं कुम्भमेलसन्दर्भः यदा यदा भवति अस्माकं देशे तत्र सर्वत्र तस्मिन् सन्दर्भे ये जनाः आस्तिकाः अत्र स्नानार्थम् अथवा अन्येषु धार्मिककार्यक्रमेषु भागं गृहीतुम् आगच्छन्ति ते सर्वे गङ्गास्नानेन सह ज्ञानगङ्गास्नानमपि यथा कुर्युः तथा अस्माभिः महामण्डलेश्वरैः आचार्यमण्डलेश्वरैः महामण्डलेश्वरैः अन्यैः सन्यासिभिः अपि सम्भूय एतद्विषये विशेषः प्रयत्नः करणीयः तेन प्रयत्नेन सदा इतः परं कुम्भमेलन अवसरः सः ज्ञानमयः अपि भवितुमर्हति तथा करणीयम् इति अस्माकम् आशयः अतः चतुर्थः विषयः एवं स्वीकृतः एवम् एते विषयाः अत्र निर्दिष्टाः अत्र यदि भवतां सर्वेषां सहमतिः अस्ति तदा तु अहम् अवश्यं निर्णयरूपेण वाचयामि तदनन्तरं ये वक्तारः सन्ति ते तेषाम् अभिप्रायं वक्तुम् अर्हन्ति एतेषु विषयेषु ह्यः उक्तेषु विषयेषु सर्वेषां सहमतिः यदि स्यात् अहं निर्णयरूपेण श्रावयामि निर्णयस्वीकारानन्तरं विचाराः भवितुमर्हन्ति स्वविचारान् हिन्दीभाषया वदन्तु मूलतः बहुत आनंद की ये बात है कि हमारे श्रृंगेरी पीठ के परम पूज्य शंकराचार्य भगवत्पाद महाभाग उनका ये संदेश प्राप्त हुआ और उन्होंने ये जो सम्मेलन हो रहा है सन्यासी समावेश हो रहा है उसमें विशेषतया इन विषयों पर चिंतन करने के लिए कहा है कि अपने अपने प्रदेश में कि अपने अपने प्रादेशिक भाषा में सरलतापूर्वक सरल शैली में भगवान शंकराचार्य के जो उपदेश हैं उनको छोटे छोटे ग्रंथ के रूप में प्रकाशित करना चाहिए वितरण करना चाहिए चाहे वो गीता उपदेश करते हों चाहे वो अन्यान्य कोई प्रवचन करते हों उन प्रवचनों में भगवान शंकराचार्य जी के महाराज के जो लिखित वाक्य हैं उनका उल्लेख अवश्य करना चाहिए ये विशेष रूप से श्रृंगेरी के शंकराचार्य महाभाग ने निर्देशित किया है और उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक ये भी कहा इन चीज़ों को विचार से कहना चाहिए बताया जाना चाहिए उसका कथन करना चाहिए एक आश्चर्य होता है कि भारतवर्ष में जिनको सर्वसे सबसे अधिक श्रेय जाता है सनातन धर्म की रक्षा के लिए भारत का ग्रामीण जो व्यक्ति खास करके उत्तर भारत का जो व्यक्ति है वो शंकराचार्य के रूप में केवल शंकराचार्य पीठों को तो जानता है या एक दो शंकराचार्य के नाम से परिचित तो है लेकिन आदि जगतगुरु भगवान शंकराचार्य के विषय में बहुत अधिक लोग परिचित नहीं हैं ये बड़ी पीड़ादायक स्थिति है ये हम सभी के लिए दुखद स्थिति है कि
कि जिन भगवान शंकराचार्य के कारण सनातन धर्म का पुनरुत्थान हुआ, चरित्र को, उनकी कथाओं को लोगों तक पहुंचाया जाए, उनको अपनी कथाओं के माध्यम से, शंकर दिग्विजय के अनुसार उनकी कथाओं से लोगों को परिचय करवाया जाए। और भविष्य में ये बहुत बढ़िया बात लगी मुझे कि जब जब वो कुंभ का अवसर आए, जब जब कुंभ का अवसर हो, तब तब ज्ञान कुंभ के रूप में सभी संतों का एक सम्मेलन हो। और किस प्रकार से वो सम्मेलन किया जा सकता है, कैसे कैसे भगवान शंकर की परंपरा से जुड़े हुए सन्यासी वर्ग एक मंच पर उपस्थित होकर और ये विचार करें, ज्ञान कुंभ का विचार करें, वो कैसे संभव हो सकता है, कैसे किया जा सकता है, इन विषयों पर हम सभी को चिंतन करने की आवश्यकता है। आगे मैं एते विषयः एतेषां विषयाणां विषये सर्वेषां यदि सहमतिः स्वीकृतिः अस्ति तदा तो अहं निर्णयं वाचयामि। जितने भी विषय अभी जिन चर्चाओं की बात कर रहे थे उन विषयों पर सभी का विचार विमर्श तो होगा ही, इसके साथ में लिखित रूप में वो विषय सामने रखे जाएंगे, चिंतन रखा जाएगा और सभी के उसमें हस्ताक्षर चाहिए ताकि एक सबको बताया जा सके कि इतने लोगों ने अपनी अपनी सहमति व्यक्त की। एक एक निर्णय मैं बोलूंगा, आप सब लोग ओम कहने से इसका अंगीकार देना है। मंद गति से बोलूंगा, आप सब सुनकर उसके बाद ओम बोलिए। हरिद्वार के पवित्र कुंभ मेले के संदर्भ में फाल्गुन कृष्ण एकादशी बुधवार और द्वादशी गुरुवार तारीख 7 और 8 2021 को आयोजित अद्वैत परंपरा यतियों के समावेश में लिए गए निर्णय। प्रथम निर्णय, हम अद्वैत परंपरा के सभी सन्यासियों को मिलकर सरल उपायों के जरिए आचार्य शंकर के उपदेशों को विद्यार्थियों, माताओं और युवाओं तक पहुंचाना है। ये तो पहला निर्णय है, आप सब ओम बोलकर अंगीकार दीजिए। ओम। द्वितीय निर्णय, प्रत्येक घर में प्रत्येक व्यक्ति को शंकर जयंती मनाने की प्रस्तुत विधियों के साथ साथ श्री शंकर भगवत्पाद के उपदेशों का पठन के द्वारा शंकर जयंती को मनाना चाहिए। ओम। तृतीय निर्णय, श्री शंकर दिग्विजय ग्रंथ के आधार पर शंकर भगवत्पाद के जीवन विशेषताओं को समग्र समाज को बताना। ओम। चतुर्थ निर्णय, अपने किसी भी प्रवचन पर व्याख्यान में भगवत्पाद के वाक्यों को संदर्भ के अनुसार उल्लेख करना ही चाहिए। ओम। पंचम निर्णय, आम जनता के लाभ के लिए श्री शंकर भगवत्पाद के ग्रंथों का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करना। ओम। षष्ठ निर्णय, प्रत्येक आस्तिक महानुभाव को भगवत्पाद के उपदेश को समझाने के लिए आवश्यक सभी तैयारियों के साथ अग्रिम सब कुंभ मेले में भाग लेने वाले अखाड़ों, आश्रमों, संघ संस्थाओं को कुंभ मेले के दौरान कार्यक्रमों का आयोजन करके वर्तमान धार्मिक कुंभ मेले के साथ ज्ञान कुंभ मेला के रूप में आध्यात्मिक के रूप में आचरण करना चाहिए। ओम। अरे ओम तो सब लोग बोल सकते हो ना, जोर से बोल सकते हो ओम तो। हाँ। सहमति के रूप में। हाँ जी। इदानीं सप्तमम, भविष्य में इन सभी कार्यों के पूरे देश पर सुचारू रूप में निर्वहन करने की दृष्टि से वेदांत भारती, अखाड़ा परिषद, आद्य शंकराचार्य स्मारक समिति, आद्य शंकराचार्य ब्रह्म विद्यापीठ उत्तरकाशी, ये चार संस्थाएं मिलकर सभी मठों, आश्रमों, संघ संस्थाओं और आस्तिकों की सहायता से उपरोक्त सभी कर्तव्यों का निर्वहन करना। ओ। अहम पुनरेकवारं पठामि, शृण्वन्तु भवन्तः, अनन्तरं भवताम् अभिप्रायं वदन्तु।
पुनरेकवारं पठामि। सब लोग पुनः श्रवण कीजिए, मैं पढ़ता हूँ। सातवीं निर्णय, भविष्य में इन सभी कार्यों के पूरे देश पर सुचारू रूप में निर्वहन करने की दृष्टि से, निर्वहन करने की दृष्टि से वेदांत भारती अखाड़ा परिषद, आद्य शंकराचार्य स्मारक समिति, आद्य शंकराचार्य ब्रह्म विद्यापीठ, ये चार संस्थाएं मिलकर सभी मठों, आश्रमों, संघ संस्थाओं और आस्तिकों की सहायता से बहुत बढ़िया उपरोक्त सभी कर्तव्यों का निर्वहन करना। बहुत बढ़िया, ओ बिल्कुल, सबको साथ लेकर, कोई संदेह है क्या जी? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। नहीं, आपको कोई संदेह है क्या? जी ठीक है, संतोष। तो सभी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि पूज्य महाराज जी ने, परमादरणीय श्री श्री शंकर भारती जी महाराज ने हिंदी में बोला, और ये क्योंकि उनकी भाषा कन्नड़ भाषा है या संस्कृत के विद्वान हैं, लेकिन यहाँ उत्तर भारत में आकर के और उत्तर भारत की भाषा से अपने आप को जोड़कर उन्होंने ये जो पठन किया, इसके लिए हम उनका अभिवादन करते हैं और आप ताली बजा करके उनका स्वागत कीजिए कि पूरे तो सबसे पहले हमारे परमादरणीय परम श्रद्धेय परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी प्रमानंद महाराज जी पधारे हैं, हम उनका स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। सर्वेषां आचार्य वर्याणां पादकमलेषु मम आदरपूर्वक नमस्काराणि समर्पयामि। श्वः अत्र शांकरस्तोत्राणां अन्येषां भाष्य प्रकरणादीनां च अस्माकं समाजे प्रचरणार्थं किं कर्तव्यम् इति चर्चा अत्र अभूत्। इदानीं ये अत्र सप्तशीर्षकेषु मार्गनिर्दिष्टाः तेषाम् उपरि पूर्णतया अस्माकमपि चिन्ता तत्सकाशं वर्तते इति प्रकटयामि। किन्तु एकस्मिन् विषये एकः संशयः मम वर्तते। इदानीन्तन समाजः यदा वयं युक्तिपूर्वं कार्यं समर्थयेत्, युक्तिपूर्वकं राशनल् थिङ्किङ्ग् तदा स्वीकुर्वन्ति। एतद् इदानीन्तन समाजस्य स्वभावः। विशेषतः यदा वयं यूरोप, अमेरिका इत्यादिषु देशेषु शाङ्करभाष्यस्य, शाङ्करकृतीनां च प्रचरणं कुर्मः, तदा एकं विशेषम् अस्ति एव, युक्तिपूर्वकं भवतु एव अस्माकं चर्चा, प्रसङ्गं, प्रवचनं सर्वं। तदानीं शाङ्करदिग्विजये यद् यद् चरितं लिखितं वर्तन्ते तत्सर्वं भाष्यानुरूपेण, किमिदं भाष्यस्य अनुसारम् अथवा संशयद्योतनार्थं किञ्चित् भवति अत्र। उदाहरणं परकायप्रवेशविषयः समीचीनमेव, नास्त्यत्र विवादः संशयः वा भगवतां भाष्यकाराणां परकायप्रवेशस्य शक्तिः अस्ति इत्यत्र। किन्तु
परस्त्री संघ विषय यदि कश्चन और किंचित प्रश्न उत्थापयेयु तद्वदेव जाति विषये काशी प्रदेशे यद स्थितिः अभवत् तस्य उपरि अपि समाज मध्ये विवादः अस्ति एव मम वचनम् एतदेव भाष्यस्य अनुसारं अथवा भाष्याणाम् अनुसारं अस्माकं सर्वे प्रवृत्तयः भवेयुः इति द्वितीयम् एकम् आशयं शङ्करजयन्ती समाचरणं सर्वेषां महात्मनाम् आश्रमेषु भवितव्यमेव तद् उपरि विविधेषु प्रान्तेषु मुख्यतया एकम् एकं स्थानं संयोज्य निश्चित्य तत्र अपि शङ्करजयन्ती समाचरणं भवितव्यमेव तस् अवसरे विद्यार्थिनां कृते विविधाः मत्सराः भवितव्यम् अन्यदपि एकम् उक्त्वा विरमामि एकं प्रतिज्ञा अनुष्ठातव्या अस्माभिः सर्वाभिः सर्वैः अस्माभिः किञ्चित् शङ्करभाष्यपठनं पाठनं निश्चयरूपेण निश्चितरूपेण अस्माकं संस्थासु आश्रमेषु भवितव्यमेव कस्मादिति चेत् स्वाध्यायं प्रवचनं च एकमेव मार्गं शास्त्रप्रचरणाय धर्मसंस्थापनाय च शास्त्रप्रचरणं धर्मसंस्थापनं स्वाध्यायप्रवचनेन एव भवति भविष्यति एकमपि आशयं ब्रह्मविद्या संप्रदाय कर्तृन् सर्वान् ऋषीन् प्रणम्य अस्माकं देशे ब्रह्मविद्या पठनपाठनाय मुख्यतया सन्यासिभिः श्रद्धा किञ्चित् अधिका देया एव वर्तते एतदपि एकं सत्यम् श्रद्धालवः युवजनाः बहवः सन्ति तत्र तत्र गच्छन्ति कुत्र ब्रह्मविद्यापठनम् अस्माकं मिलेत् इति अन्विष्य तेषां कृते सर्वराज्येषु मलयालभाषायां कन्नडभाषायां तमिळ्भाषायां हिन्दीभाषायां बङ्गालीभाषायां सर्वासु भाषासु ब्रह्मविद्यापठनं पाठनं आयोजयितव्यम् एवं कर्तुं शक्नुमः चेत् पञ्चदश वर्षात् पूर्वं पश्चात् संशयः अत्र नास्ति शाङ्करप्रभावेण सनातनधर्मसंस्थापनं सुशक्तं भविष्यति इत्यत्र नास्ति मे संशयः एतदुक्त्वा विरमामि सर्वान् प्रति नमस्कारः को दूर किया जाना चाहिए ऐसी कुछ बातें हमारे पूज्य श्री स्वामी चिदानन्दपुरी जी महाराज ने रखी मैं अब निवेदन करता हूँ आर्ष विद्या मंदिर राजकोट से पधारे हुए प्रमादरणीय परम पूज्य श्री स्वामी परमात्मानंद सरस्वती जी महाराज से कि वे भी इन्हीं विषयों पर इन्हीं संदर्भों में और अपने विषय अपने विचारों को अपने विमर्श को रखें पूज्य स्वामी जी श्रुति स्मृति पुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं ओम।
परम पूज्य परम श्रद्धेय शंकर भारती जी महाराज, शंकराचार्य जी, मंचस्थ आचार्य महामंडलेश्वर जी एवं सभी मंडलेश्वर जी संतों को प्रणाम। भगवत्पाद शंकराचार्य जी के विषय में जो अभी महाराज जी ने बताई, समस्या ये है कि कोई जानता नहीं है। शायद एक दो शंकराचार्य जो पीठासीन है उनको जानते हैं, लेकिन आद्य शंकराचार्य जी को नहीं जानते। शंकराचार्य जी वेदांत भारती जी ने प्रण लिया है कि नारद जी की तरह स्थापयिष्यामि गेहे जने जने, जो भक्ति के लिए नारद जी ने लिया था वैसा, बहुत अच्छी बात है। और उसमें जो सब प्रस्ताव सूचित किए हैं उसमें हमारा पूरा सहयोग है, उससे भी हम चिंतित हैं। लेकिन एक दूसरा भी पहलू है भगवत्पाद के जीवन और शास्त्र के बारे में। ये जो सब संकल्प है वो आम जनता को जना बताने के लिए है कि कौन है शंकराचार्य जी। लेकिन जो शास्त्र है, विशेषतः भगवत्पाद के भाष्य को पढ़ाने के लिए, इसे उपनिषद में कहा है कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम तद विज्ञानार्थम गुरुमेवा विगच्छेत श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तो आज हम कभी कभी देखते हैं कि वेदांत एक प्रमाण होने पर भी, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, फिर भी वेदांत को ऐसा बना दिया है कि मेडिटेशन से ब्रह्म साक्षात्कार हो जाएगा, एक समाधि से प्राप्त हो जाएगा। ये बात गलत है, सिद्धांत से विरुद्ध है। तो शास्त्र को और भाष्य को एक प्रमाण के रूप में प्रस्थापित करने के लिए भी हम समझते हैं कुछ काम करना चाहिए। आज कई कई बार हम ही शंकराचार्य जी को गलत रूप से प्रस्थापित करते हैं। जैसे लोग भगवत गीता को भी उद्धृत कर लेते हैं, विशेषतः योग वाले कहते हैं तस्माद योगी भवार्जुन, उसका पूर्वापर संबंध तो कोई देखता नहीं है। एकत्व योग की बात है, समत्व का दर्शन की बात है, बाद में उपसंहार में कहा है। उसी प्रकार से ये अविद्या ऐसी नहीं है कि किताब पढ़ने से ज्ञान आना है। जो एक गुरु चाहिए, द वन हु नोज हाउ टू हैंडल द शास्त्र, अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते, वो कुशलोस्य लब्धा कुशलानुशिष्टः, वो कुशल आचार्य भी चाहिए। तो हमारा एक नम्र निवेदन और सूचन इतना ही रहेगा कि आजकल कुशल आचार्य तैयार करने के लिए भी कुछ काम करें। यही सूचन और प्रणाम के साथ ओम नमो नारायण। विषय विचारणीय है और चिंतनीय है। मुझे तो कई बार ऐसा ही अनुभव में आता है कि सनातन धर्म को लेकर संपूर्ण भारतवर्ष में जितनी भी भ्रांतियां हैं या जिन परिस्थितियों से सनातन धर्म गुजर रहा है, उन सभी समस्याओं का मूल एक ही है कि कोई एक ऐसा संस्थान नहीं है, कि कोई ऐसी संस्था नहीं है जो सनातन धर्म की परंपरा के विरुद्ध आचरण करने वालों पर दृष्टि रखे। इस बात की महती आवश्यकता है कि कोई ऐसा संगठन खड़ा किया जाए, कि कोई ऐसी संस्था बनाई जाए कि सनातन धर्म की परंपरा के विरुद्ध आचरण करने वालों को या तो दंड का विधान हो, या समाज में यह संदेश देने के लिए पर्याप्त व्यवस्था हो कि हमारी सनातन परंपरा के अनुरूप ये वक्तव्य नहीं है, इसलिए इसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। जब तक ऐसा संभव नहीं होगा, तब तक न हम आचार्य के वचनों को, न आचार्य की परंपरा को, जैसा कि स्वामी जी महाराज बहुत बढ़िया बात कह रहे थे, श्रीमद् भगवद गीता को भी हम अपने अनुसार और उनके वाक्यों को उसका उपयोग कर लेते हैं, अलग अलग तरह से वाक्यों को उपयोग कर लेते हैं, चाहे वो तस्माद् योगी भवार्जुनः जैसी बात कही जी। जैसे हम कभी सुनते हैं लोग 15 अध्याय कोट करते हैं, बहुत सारा हरिद्वार में सुना है, ममई वामशो जीवलोके जीवभूत सनातन, हम भगवान के अंश हैं, उससे अलग हो गए, उससे जुड़ना है।
तो अद्वैत सिद्धांत कहाँ रहा? थोड़ा श्रोत्रिय आचार्य परंपरा खड़ी करनी पड़ेगी। जी जी, तो मूलतः वही है, परंपरा रहित ज्ञान या अनधिकारी लोग जब बिना परंपरा के और किसी उपलब्धि को प्राप्त हो जाते हैं कि पब्लिक में छा जाते हैं, तो वो मनमाने अर्थ करने लगते हैं और कुछ भी बताने लगते हैं, इससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है मूलतः। इसलिए आपका जो प्रयास है वो सराहनीय है, प्रशंसनीय है, लेकिन मेरा बहुत विनम्र निवेदन है कि एक ऐसे संगठन को बनाने की आवश्यकता है, आचार्य जी भी बैठे हैं, आप भी विराजमान हैं, कि जहाँ कहीं कोई कुछ भी बोल के निकल जाता है, उस पर नियंत्रण करने के लिए, अंकुश लगाने के लिए एक समर्थ संगठन की आवश्यकता है, जो पूरे भारतवर्ष में सक्रिय हो, कि परंपरा के विरुद्ध आचरण करने वालों को या तो दंडित करने की व्यवस्था हो, या फिर समाज तक यह संदेश देने की व्यवस्था हो कि यह परंपरा के अनुरूप नहीं है, इसलिए इसका बहिष्कार किया जाता है। मेरी विनम्र प्रार्थना है, स्वामी जी का भी अभिप्राय यही है, यही होगा ऐसा मैं मानता हूँ, समझता हूँ, मैं तो पूर्ण सहमति व्यक्त करता हूँ। दूसरी बात, स्वामी जी ने बहुत बढ़िया कही कि जो भी यहाँ पर संदर्भ है विषय का, उनके साथ में वो सहमत हैं और साथ में हैं सेवा करने के लिए, हम सभी आपके साथ हैं, जो भी यहाँ सहमति व्यक्त की जा रही है उसमें हम सब लोग साथ हैं, उसमें कहीं कोई विरोध नहीं है। अब मैं निवेदन करता हूँ परमादरणीय, परम श्रद्धेय, परम पूज्य और हमारे बड़े पुराने परिचित भी हैं, हमारे बड़े अभिन्न हैं, पूज्य श्री स्वामी मुक्तानंद पुरी जी महाराज, वे भी इसी संदर्भ में अपने विमर्श को हमारे सामने रखें। पूज्य स्वामी जी। ओम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। परम श्रद्धे अनंत श्री विभूषित, वर्तमान पीठाधीश्वर शंकराचार्य श्री शंकर भारती जी महाराज, यहाँ मंच पर उपस्थित सभी हमारे बहुत प्राचीन मित्र भी हैं, अर्वाचीन परिचय भी है, ऐसे हमारे सभी आचार्य महामंडलेश्वर और महामंडलेश्वर महानुभाव, उपस्थित सभी संत वृंद, श्रोत्र वृंद, हमारे पूज्य स्वामी परमात्मानंद जी ने बहुत सुंदर बात कही। पूरे हरिद्वार में जितने भी सन्यासियों के आश्रम है, केवल एक, अब दूसरा बना है, केवल एक साधना सदन, हमारे बड़े श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन स्वामी गणेशानंद पुरी जी महाराज, उन्होंने प्रयत्न किया जहाँ प्रस्थान त्रयी का प्रतिदिन पाठ चलता है, उसके बाद हरिद्वार की बात हो रही है अभी, तो उसके बाद अभी हमारे ब्रह्मलील अनंत श्री स्वामी विष्णुपुर जी महाराज, जिनके शिष्य कल आए थे, उन्होंने एक परंपरा चला रहे हैं, कितना सफल हुआ कितना सफल नहीं मुझे मालूम नहीं, आपने भी यहाँ रह के कोशिश की थी, हमारे बहुत प्राचीन मित्र हैं ये स्वामी अभयानंद सरस्वती जी महाराज, और ये सब चिन्मय मिशन से हैं आप, ऋषिकेश में कैलाश आश्रम है और शीशम झाड़ी में स्वामी दयानंद आश्रम है, उसके बाद उत्तरकाशी में अभी शुरू हुआ है, मैंने सोम आश्रम में रहते तपस्या की, एक दिन मैं गया कि मैं अपनी तपोभूमि को देखूं, मैंने देखा वहाँ भव्य भवन खड़ा है, मेरे को बड़ा आनंद हुआ कि वहाँ प्रस्थान त्रिका पठन पाठन प्रारंभ हुआ है, हमारे स्वामी श्री हरि ब्रह्मेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज, सरस्वती हैं पूरी मालूम नहीं लेकिन तीर्थ, हमारे स्वामी हरि ब्रह्मेंद्रानंद तीर्थ जी महाराज, पहले दो कुटिया रहती थी, जंगल था, हम वहाँ तप करते थे 85, 86, 87 में, 1985, 1986, 1987 में हम बहुत रहे हिमालय में, तो हम वैसे ही गए तपोभूमि देखने, तो हमारा बहुत आनंद हुआ। ये एक सही बात है कि इतने संन्यास आश्रम होते हुए भी एक कुशल, हमें आप आचार्य कहें,
आप अध्यापक कहें, आप गुरु कहें, उनके निर्माण की बहती आवश्यकता है, एक बात। दूसरी बात, इन सब विषयों से हम सहमत हैं, हमने काम भी किया है और एक महीना लगातार हमारे स्वामी जी, हम और हमारे प्रणव चैतन्य प्रणवानंद पुरी जी महाराज, अब वो पुराना नाम याद आता है क्योंकि बहुत ओल्ड मित्र हैं हमारे ये, हाँ सरस्वती जी, चलो पूरी सरस्वती की बात है, मित्र ही हैं। हमने मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जब शंकराचार्य जी एकात्म यात्रा निकाली उसमें बहुत काम किया, और आदिवासी क्षेत्र में हम गए जहाँ नक्सलाइट्स रहते हैं, वहाँ हमने सरल सरल उदाहरणों के माध्यम से आदिवासी बच्चों के द्वारा तालियां बजवाई अद्वैत वेदांत की। दूसरा, हमारे सबसे प्रथम वक्ता ने कुछ शंकाएं रखी थी, जहां तक परकाया प्रवेश का है वो तो योग में विधान है, आप परकाया प्रवेश कर सकते हैं, पर क्या आचार्य शंकर परकाया प्रवेश करके अमरूक नाम के राज देश के राजा के शरीर में प्रवेश करके विषयों का भोग किया या नहीं किया, ये एक विवादित विषय है। इन विषयों को हमें चिंतन करना है, परकाया प्रवेश संभव है या नहीं है ये विवादित विषय नहीं है, चिंतन ये करना है कि क्या ये संभव है कि आचार्य शंकर, जो शंकर साक्षात शंकर के अवतार हैं, शंकरः शंकरः साक्षात कहा है, क्या उनको आवश्यकता थी कि दूसरे देह में प्रवेश करके और विषयानंद का अनुभव करके, जैसे हमारे पंचदशीकार ने तो बहुत सुंदर कर दिया, विषयानंद ब्रह्मानंद, क्या वो अनुभव करने की आवश्यकता थी? ऐसे शंकर दिग्विजय में अनेक ऐसे सब विषय हैं जिनके ऊपर हमें विचार करना ही चाहिए, बहुत सुंदर आपने विचार रखा, उस पर भी हमें चिंतन करना चाहिए। परकाया प्रवेश हो सकता है नहीं हो सकता, इस पर संदेह नहीं है, अगर कोई चाहे तो मैं टेक्निक बता सकता हूं, मैंने बहुत वर्षों तक साधना की है, लेकिन आचार्य शंकर को क्या आवश्यकता थी कि किसी राजा के शरीर में जाकर के विषयानंद का अनुभव करने की, ये एक विषय विचारणीय है। और मुख्य बात, हमारा जो कुछ बात बहुत कहने की होती है, हम बहुत अनुभव में करते हैं, हम समाज में भी जाते हैं, कुछ बातें हैं कि जैसे हमारे आचार्य मठों की परंपरा है, आचार्य मठ शंकर पीठों की परंपरा है, क्या वो आचार्य शंकर मठ के परंपरा, हम जब जाते हैं तो कहते शंकराचार्य विवाद कर रहे हैं, क्या ऐसा शुद्ध हो सकता है कि सभी संतों के प्रयत्न से, कि हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे चार शंकराचार्य हैं, ये किसी एक से नहीं होगा, और बहुत विचित्र विषय भी है, लेकिन क्या हम गर्व से कह सकते हैं आज कितने शंकराचार्य हैं? हमारी जो मंडलेश्वर परंपरा, हमारे मालूम है हमारे परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी महेशानंद सरस्वती जी महाराज, गिरिजी महाराज का जब हम साहित्य पढ़ते हैं हमारा रोम रोम खिल जाता है, उन्होंने भागवत के ऊपर लिखा और अनेक ग्रंथों पर लिखा, क्या आज ऐसी आचार्य मंडलेश्वर परंपरा संभव है? ये हमारे अखाड़े, वंदनीय पूजनीय अखाड़े, जिन्होंने हिंदू देश धर्म की रक्षा के लिए अपने हजारों हजारों नहीं एक एक लाख से ज्यादा अपने सन्यासियों की प्राणों की आहुति दे दी, हमारे पूजा अखाड़ों ने, क्या उन अखाड़ों के द्वारा ऐसी व्यवस्था संभव हो सकती है कि जैसा हमारे चिदंबरानंद जी महाराज हमारे प्राचीन मित्र हैं वो कह रहे थे कि जो हिंदू संस्कृति सनातन संस्कृति के विपरीत जाए उनके ऊपर कुछ अंकुश लगाया जा सके? महाराज मैं जाता हूँ ब्रह्म कुमारियों में, मैं उनका विरोध करता हूँ, लेकिन कृष्ण को वो मानते नहीं कि कृष्ण अवतार हुआ, वो मानते नहीं भगवान कृष्ण को, लेकिन कृष्ण के मानने वाले वहां जाकर उनका समर्थन करके आते हैं, क्या ये सनातन संस्कृति को मानने वाले भगवान कृष्ण को मानते हैं? क्या वो भगवान कृष्ण को मानते हैं जो कृष्ण को न मानने वाले का वहां जाकर के समर्थन करके आते हैं? क्या इतनी साहस इतना धैर्य इतनी हिम्मत उनके अंदर नहीं है कि वहां जाकर के विरोध कर सके? क्या ऐसे आचार्यों के भी निर्माण की हमें आवश्यकता नहीं है? हम जिन विषयों को लेकर बैठे हम आपके साथ हैं, एक और विषय है मुख्य रूप से, हो सकता है उसमें बहुत सहमत हो बहुत सहमत नहीं हो, हमारे जो आचार्य शंकर ने मठामनाय परंपरा लिखी है उस मठामनाय परंपरा में लिखा हुआ है कि ये जो शंकराचार्य मठ के होंगे ये मठ पर नहीं रहेंगे, मठ से बाहर जाकर के उपदेश करेंगे। क्या आज हमारे मठ पर रहने वाले जो शंकराचार्य हैं वो मठों से बाहर जाकर के उपदेश करते हैं? उनके क्षेत्र बांटे हुए हैं, उनके सारी व्यवस्था की हुई है, क्या उनमें जाते हैं?
क्या वहां लिखा हुआ है कि अगर विवाद हो जाए तो शंकर मठ पर बैठने वाला आचार्य उसका निर्णय दे? क्या आज हम में इतनी शक्ति सामर्थ्य है? अगर नहीं है तो हमें तप करना चाहिए, हमें तप करना चाहिए। कोई भी आचार्य मठामनाय में लिखा हुआ है कि आचार्य पीठ पर बैठने वाले शंकराचार्य को अपने पीठ पर ही नहीं बैठा रहना चाहिए, अपने क्षेत्रों में भ्रमण करके और अद्वैत वेदांत का प्रचार और प्रसार करना चाहिए। ये जो हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज हमारे अनन्य मित्र हैं, ये जो बता रहे थे कि ममैवांसो जीवलोके जीव भूत का मतलब ये कर देते हैं हम ईश्वर से अलग हो गए, ईश्वर हमसे अलग हो गए, ये भ्रांतियां समाज में उपदेशक तभी दूर कर सकते हैं जब इन विषयों पर हम विचार और विमर्श करें, जब इन विषयों पर हम चिंतन करें तभी ये संभव हो सकती है। और इसके लिए मैं हमारे हरि ब्रह्मेंद्रानंद तीर्थ जी महाराज को साधुवाद देता हूँ, उन्होंने ये सारा का सारा भव्य आयोजन किया और इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। ध्यान रखना, प्रयत्न करने से सब कुछ संभव हो जाता है। हिम्मत गर चाहे तो पत्थर को पानी कर दे, हिम्मत हर मुश्किल को आसान बना देती है। ये बहुत अच्छा प्रयास है, हम आपके साथ हैं, महाराज शंकराचार्य जी महाराज के साथ हैं। और भी कुछ समस्याएं समाज में आती हैं क्या? आज के संदर्भ में जन्मना जातिवाद वेद और वेदांत पढ़ने के लिए संभव है या नहीं है? ये सब समस्याएं हैं जिनके ऊपर आज को आपको विचार विमर्श करना होगा, क्योंकि आज पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत में, म्यांमार में, इंडोनेशिया में और मलेशिया में जितने भी सब थे वो हिंदू ही थे, और किन्हीं हमारी ही गलतियों के कारण आज वो हिंदू से तो मुसलमान हो गए हैं या ईसाई हो गए हैं। फिर से पुनर्स्थापना करने के लिए इतने बड़े भूभाग को सनातन संस्कृति के साथ कैसा जोड़ा जाए, इसके लिए हमें जन्मना जातिवाद पर, वेद का अधिकार महिलाओं को है या नहीं इस पर, शंकराचार्य की परंपराओं पर जो एक मठ पर बैठ करके आज हमारे, महाराज जी आप नाराज नहीं होना, हमें किसी ने कहा हम श्रृंगेरी मठ के आचार्य को बुलाना चाहते हैं, हमने किसी के माध्यम से संपर्क किया तो कहते कि उनकी बड़ी भारी व्यवस्था होगी, गाड़ी से चल कर के आएंगे, ऐसा होगा ऐसा होगा। अब एक संस्था जिनकी श्रद्धा आचार्य शंकर पर है वो इतने भारी खर्च तो नहीं कर सकता, तो क्या संभव हो सकता है कि वो थोड़े व्यवस्था में भी आ सके? ये भी विचारणीय विषय है, ये भी तो विचारणीय विषय है ना, ये सब विचारणीय विषय हैं। हम सहज रूप में भाषण देकर चले जाते हैं, अपनी व्यवस्थाओं की कमियों पर ध्यान कम देते हैं ताकि हम उन कमियों को दूर कर सकें। मेरे वाणी से किसी को बुरा लगा तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन निश्चित रूप से सुधार होना चाहिए। इतना ही कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति। बात चुभने वाली होती जरूर है, लेकिन मैंने एक बात सुनी है कि पांव में अगर कांटा लगा हो तो निकलता तभी है कि जब दूसरी चुभन सहने की तैयारी हो। अगर आप पांव में लगे हुए कांटे को निकालने के लिए दर्द नहीं सहन कर सकते तो वो दर्द आपको पैर गला देगा और ख़त्म कर देगा। तो स्वामी जी महाराज आपने जो बातें कही वो चुभने वाली जरूर हैं, लेकिन अगर इन पर विचार करेंगे तो हमारे सनातन धर्म का कांटा निकल जाएगा। ये कठिन है स्वामी जी महाराज, आप जो संकल्प लेकर के चले हैं ये बहुत अच्छा संकल्प है कि जन जन तक भगवान शंकराचार्य के उपदेशों को कैसे पहुंचाया जाए, लेकिन स्वामी जी की पीड़ा भी समझिए कि पहले तो हमारी पीठ या हमारे मठ या हमारे आश्रम या हमारे साधु भगवान शंकराचार्य के संदर्भों से जुड़े, अपने आप को जोड़ लें, उनके प्रयासों से आपको जोड़ने की जरूरत है, हमको जोड़ने की आवश्यकता है। स्वामी जी महाराज ने जितनी बातें कही वो विचारणीय है और उन पर विचार सभी को करना चाहिए, हम सबको विचार करना चाहिए कि क्या हमारे जितने मठ हैं सनातन की परंपरा के प्रचार प्रसार में जिस तरह से उन्हें संलग्न रहना चाहिए वे संलग्न हैं या नहीं, और नहीं है तो वो कैसे हों, और वो अगर नहीं हो रहे हैं तो उनको कैसे किया जाए, इसके लिए भी प्रयासरत होना पड़ेगा। जितने भी हमारे शंकराचार्य पद पर बैठे हुए हमारी आस्था के केंद्र हैं, वे हमारे सम्मान के केंद्र हैं, लेकिन अगर वे ही विवाद के कारण बन जाएं, वे ही पीठ विवादित हो जाएं, तो समाज में क्या संदेश जाएगा, हम समाज को क्या उपदेश करेंगे, हम समाज को क्या बताएंगे। और लोग ये हमसे ही सवाल करते हैं कि जिन भगवान शंकराचार्य के आप उपदेश लेकर के आ रहे हो उनकी पीठ पर बैठे हुए लोग ही उनको मानने के लिए तैयार नहीं है, वे ही विवाद खड़े कर रहे हैं, तो आप हमको क्या सिखाएंगे। ये बात है तो पीड़ादायक लेकिन है विचार, तो ये विचार करने योग्य है। और जैसे भगवान शंकराचार्य हमारे आदर्श हैं और उन्होंने
पैदल चल चल करके और पूरे भारत को जोड़ने का कार्य किया, बौद्धों को कैसे उन्होंने भगाया, कैसे बौद्धों को उन्होंने पुनः सनातन धर्म से जोड़ने का काम किया, कैसे उन्होंने बौद्ध मठों को और मंदिरों में परिवर्तित करने का काम किया, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हमें भी वही करना चाहिए और उस आदर्श को हमें अपनाने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे परमादरणीय परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी परमात्मानंद सरस्वती जी महाराज, वो जाना चाहते हैं, उनके किसी कार्यवश हम उनका अभिनंदन करते हैं कि आप समय लेकर के यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत, और अपने अति विशिष्ट समय में से हमको भी समय प्रदान करने के लिए पूज्य महामंडलेश्वर अनंत श्री विभूषित पूज्य स्वामी अभिहानंद सरस्वती जी का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। इनका स्वागत करने के लिए हम विद्वान भूदेवों से प्रार्थना करते हैं कि पूज्य स्वामी जी महाराज का स्वागत करें। स्वामी जी के आश्रम में कथा चल रही है, जैसा कि अभी हमारे पूज्य मुक्तानंद जी महाराज कह रहे थे कि भगवान शंकराचार्य की प्रस्थानत्री परंपरा के अनुरूप जो कुछ संस्थान हैं शेष, उनमें आपके शौनक कुटीर जहाँ हरिद्वार हरिपुर कला में आपका स्थान है, आपका आश्रम है, वहाँ प्रस्थानत्री का पठन पाठन आज भी होता है, देख करके आनंद होता है। स्वामी जी महाराज की कथा चल रही थी, फिर भी मेरे विनम्र निवेदन पर आप यहाँ पधारे, हम आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। इन्हीं विषयों की श्रृंखला को लेके हम आगे बढ़ते हैं और परमादरणीय परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री स्वामी संवित सोमगिरी जी महाराज, जो कि संवित गंगायन आश्रम से पधारे हैं, उनसे हम प्रार्थना करते हैं, उनका भी स्वागत के लिए, उनका स्वागत हो चुका था, स्वामी जी से प्रार्थना करते हैं कि आप अपने विमर्श अपने विचार रखें। स्वामी संवित सोमगिरी जी महाराज। सहचरी मद्रितनया तुरिया कापितं दुरधिगमने सेम महिमा महामाया विश्वं ब्रह्मयसि परब्रह्म महेशे श्रद्धा गर्भगृहांतस्थां श्रुतिमूर्ध्नि लसत्पदां संवित् स्वरूपिणि वंदे स्वात्मरूपां परां शिवां या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः नमो विराट स्वरूपिण्ये नमः सूत्रात्ममूर्तये नमो व्याकृतरूपिण्ये नमः श्री ब्रह्ममूर्तये नमः श्री ब्रह्ममूर्तये ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। माँ भारती के चरणों में कोटिश्र वंदन। सृष्टि के मूल में जो महामौन है, जो करुणा है, जो आनंद है, वही मुखरित होकर भगवान भाष्यकार के रूप में मानवता का त्राण करने के लिए अवतरित हुए थे, वो मातृ स्वरूप है। उन्होंने करांगुल नखोत्पन्न नारायण दशाकृति, वो ललिता स्वरूप हैं, सामरस्य की मूर्ति हैं। उन्होंने दशनाम संप्रदाय की स्थापना की। मैं उन सभी महापुरुषों के उस परंपरा के प्रति कोटिश्र वंदन करता हूँ और पुनः कल की तरह पूज्यपाद श्री शंकर भारती जी महाराज यहाँ पर पधारे, लाखों लाखों विद्यार्थियों के कोमल अंतःकरण में जिन्होंने अग्नि बीज, चैतन्य बीज और आनंद बीज रोपित किए, उनका वर्धन किया मातृशक्ति के हृदय में, इसका बहुत दूरगामी प्रभाव हुआ। एक आश्चर्यजनक अभ्युदय और निःश्रेयस सौंदर्य ले जैसा अद्भुत ग्रंथ और कितने कंठों में हृदय के अंदर वह प्रकट हुआ। और ऐसा यहाँ पर भी कुछ हो, यहाँ पर कई आचार्य महामंडलेश्वर हैं, मंडलेश्वर हैं, महापुरुष हैं, सब अपने अपने प्रकार से अपनी परिस्थिति के अनुसार भगवान भाष्यकार के संदेश को जन जन तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके अंदर एक अभिनवता, एक नवाचार हमारे सामने प्रस्तुत हुआ। मुझे खेद है कि मैं आज प्रारंभ से
इस सत्र में भाग नहीं ले पाया। कल कुछ समय का ऐसा स्खलन था, विलंब से प्रारंभ हुआ और स्वास्थ्य भी इतना ठीक नहीं है कि मैं लगातार 3-4 घंटे तक यहाँ पर बैठा रहूँ। इसलिए मैंने अनुमति मांगी आदरणीय पूज्य हरिब्रह्मेंद्र आनंद से कि मैं कुछ विलंब से यहाँ पर आप सबके दर्शन करने के लिए आ पाऊँगा। कई सारे विषय रखे गए। मैंने कल संकेत दिया था, भगवान भाष्यकार का जो अद्वैत दर्शन का प्रकटन है शास्त्रों में, उनके जीवन चरित्र में, वह सृष्टि के मूल का है। इसलिए श्रुति, युक्ति, अनुभूति और आचरण, इन चारों को लेकर हमारी संस्कृति अनादिकाल से प्रवाहित हो रही है। हमारी संस्कृति ओंकार मूलक है, चैतन्य मूलक है, आनंद मूलक है, सत मूलक है, आत्म मूलक है और संसार की ऐसी कोई समस्या नहीं। व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, मानवता, पूरा पर्यावरण, कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका उत्तर हमारे अद्वैत दर्शन में न हो। पर उसका एक पारमार्थिक रूप है, उसका एक व्यावहारिक रूप है। इसलिए अपराविद्या के हर क्षेत्र में उस अद्वैत दर्शन को लगाया जाना चाहिए। उसके बिना चाहे साइंस और टेक्नोलॉजी हो, रावण जितना कितना बड़ा साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजी, कितना उपासक था, कितना बड़ा वेदज्ञ था, परंतु दृष्टि ठीक नहीं थी। कल जब एक महापुरुष ने कहा था कि संस्कृत भाषा जन जन की भाषा होनी चाहिए, इसके लिए प्रयास करना चाहिए और शिक्षा तंत्र है इसको बदलना चाहिए। इसलिए सारी समस्याओं के मूल में है कि जो एक मैकाले का तंत्र, मैकाले की फैक्ट्री, मैकाले का सॉफ्टवेयर हमारे अंदर घुसा हुआ है, वो सारी गड़बड़ कर रहा है। इसलिए जितने महापुरुष हैं, यदि एक विमर्श को, एक समवेत विमर्श को लेकर के गुरुकुल पद्धति प्रारंभ करें, उसके लिए केंद्र ऐसा अवकाश दे रहा है, तो मैं इस अनुष्ठानों के सहमति देते हुए कहना उसको भी शुरू करना चाहिए। क्योंकि चारों तरफ से जब आक्रमण हो रहा है तो हर स्तर के ऊपर उनको निरस्त करने के लिए हमको आगे बढ़ना चाहिए। अकेला अकेला कुछ नहीं कर सकेगा। अगर कोई कहता है कि मैं दीप बनकर करता हूँ, तो सभी सहायक सबल के और निर्बल कौन सहाय, और पवन बढ़ावत अनल को और दीपक देत बुझाए। अगर अकेले अकेला होगा तो उसको ये ऐसा आसुरी तमस की शक्तियाँ ऐसा चारों तरफ से आक्रमण करें हमको पता ही नहीं लगा। अगर कंस बैठ करके भागवत की कथा करेगा और इसी प्रकार से गेरू कपड़ा पहन करके कोई आसुरी व्यक्ति आकर के कालनेमी बन करके इस प्रकार से समाज को भ्रमित करेगा, वो समाज है कहाँ? भगवान भाष्यकार का संदेश है वही पूर्ण रूपेण परिभाषित नहीं हो पा रहा है, जिनकी तरफ संकेत किए गए हैं कि कहाँ पर जड़ता है, कहीं पर स्वच्छंदता है, कहीं शास्त्र की उपेक्षा है, कहीं अनुभूति का कोई पलक भी अलग, एक कण भी अनुभूति का नहीं है, आचरण में नहीं है। तो इसलिए वैदिक सनातन धर्म अगर विदेश में प्रकट हो जाए, यदि ऋषित्व अगर विदेश में प्रकट हो जाए तो हम क्या करेंगे? इसलिए सर्वप्रथम हमारे बोध को, प्रमाणों को लेकर, अनुभूति को लेकर, आचरण को लेकर स्पष्ट करना चाहिए। और यही एक ऐसा कुंभ का अवसर है, आप यहाँ पर पधारे और इसलिए हमको तो आदेश दीजिए, हम तो आपका अनुकरण करने के लिए, प्रश्नाकुल होकर के अनुकरण करने के लिए, पर श्रुति, युक्ति, अनुभूति और आचरण को लेकर के सजग होकर के हमको आगे बढ़ना चाहिए। प्रत्येक के अंदर यदि बोध ठीक नहीं है, मैंने व्यावहारिक दर्शन की बात कही थी, वह एक परम दत्त प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्नन्ते, प्रपंचोपशमम शांतम शिवम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय, यह आधारभूत है, फंडामेंटल एक मोटिवेशन को देता है। इसलिए इसको लेकर के हमको करना है, यज्ञ की ज्वाला को प्रकट करना है, एक लपट को प्रकट करना है। लपट से लपट लिपटती हुई, ललकारती हुई तमस की शक्तियों को आगे बढ़ेगी, तब जब हम समझेंगे कि सनातन धर्म क्या है। इसलिए संस्कृत भाषा अवश्य, पर मैं प्रश्न को लोकर के पूछता हूँ, जब संस्कृत भाषा थी, हर एक के कंठ में थी, जब कोई कत्लखाने नहीं थे, गायें मारी नहीं जाती थी, भरी सभा के अंदर किसी की साड़ी खींचने की हिम्मत कैसे हुई थी? उदम वेद व्यास भी थे, उस समय तो भीष्म थे, इसमें तो भगवान स्वयं कृष्ण भी थे। इसलिए हमारी अवधारणा ईश्वर विषय तब तक सही नहीं होगी जब तक हम जीव और जगत के विषय में अपनी अवधारणा को ठीक नहीं करेंगे और तीनों के आधार में हमेशा अद्वैत तत्व को रखेंगे। इसलिए अद्वैत तत्व को छोड़ते ईश्वर एक भयानक तत्व हो जाएगा, कभी वो करुणामय हो जाएगा, कभी वो एक शासक करने वाला क्रूर हो जाएगा, प्रकृति को अलग कर देंगे, जगत के ऊपर हम किसको, जिसको कहते हैं डिजिटलाइजेशन, हम गांवों को नष्ट कर देंगे। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँ, गोकर्ण आख्यान का पढ़ करके तो देख लिए किस प्रकार से गोकर्ण का जन्म हुआ था, क्यों एक गाय थी वो उस प्रकार से एक बच्चे को पैदा करती है, क्योंकि नागर सभ्यता जब उस ब्रह्म ज्ञान को धारण करने के लायक नहीं रहती है
जहाँ पर एक दिखावा मात्र हो जाता है उस समय आशा बंधती है कि हमारी लोक भाषा लोक संस्कृति उस आत्मज्ञान को धारण करेगी, ब्रह्म ज्ञान को धारण करेगी, कोई गोकर्ण पैदा होगा। सिर्फ वर्तमान में जो ऐसी भयानक जिनका कुछ उल्लेख हुआ यहाँ पर है, इन सबका उत्तर मैंने कहा आपने अद्वैत दर्शन, चाहे वो खेल जगत हो, प्रणव धनु शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम शर्व तन्मयो भय। इसलिए जब हमने पिस्टल राइफल शूटिंग की जो एक संस्था प्रारंभ की, सामूहिक शूटिंग संस्थान, सभी लोगों ने प्रश्न उठा दिया कि मंदिर के अंदर क्यों प्रारंभ हो रहा है। मैंने कहा कि मंदिर में तो साफ अपराविद्या के हर क्षेत्र के अंदर हमें मंदिर ऐसे जागरूक होने चाहिए, कोई आरती कर रहे हैं ऐसा नहीं, जीवन के हर क्षेत्र को वो ऐसी ओजस्विता प्रदान करता है, दिशा प्रदान करता है, आधार प्रदान करता है, वो ब्रह्म विद्या है। इसलिए मैंने कहा पहली बार ब्रह्म विद्या की चाबी को आपने लगाया तो जो ताले लगे हुए हैं उसके अंदर तुरंत ही आपकी रुद्र ग्रंथि थोड़ी ढीली पड़ेगी, आपकी विष्णु ग्रंथि थोड़ी ज़्यादा खुलेगी और ब्रह्म ग्रंथि ज़्यादा चलेगी। तीन बार खुलाते सारे ताले खुल जाएंगे सारी समस्याओं का। पर अनुभूति का प्रश्न है, अनुभूति कहाँ पर है? इसलिए संस्कृत भाषा इसमें मातृ शब्द मदर बन गया, पितृ शब्द फादर बन गया, भ्रातृ शब्द ब्रदर बन गया, वैसे ही रिदम शब्द है वो रिदम बन गया। तो सारा ब्रह्मांडिक रिदम में नाच रहा है, इस रिदम को ही कॉस्मिक रिदम को, इसी को धर्म कहते हैं, सनातन धर्म, इसको कौन नष्ट कर सकता है? इसलिए हम नष्ट करें अपने स्वयं के हाथों से, अपने बोध की न्यूनता के कारण, अपने भाव की समृद्धि के अभाव के कारण, अपने आचरण में उसको न लाने के कारण, ये तो कॉस्मिक रिदम है, कॉस्मिक इंटेंट है, कॉस्मिक पर्पज है, कॉस्मिक पैटर्न है, कॉस्मिक डांस है, कॉस्मिक जिसको पोइट्री है, पश्चिमे काव्यम, वेद का मंत्र है पश्चिमे काव्य, सारे जगत के प्रति हम कैसी एक वरेण्य दृष्टि रखते हैं। तो इसलिए डिजिटलाइजेशन के चक्कर के अंदर यदि हमारी गांवों की संस्कृति के अंदर वहां पर हमको स्मार्ट बनाना शुरू करेंगे, तो मैंने थोड़ा कह दिया स्मार्ट की जगह स्मार्ट बनाते तो कुछ समझ में आती थी, भाई स्मार्ट क्यों बना रहे हो, उनको नष्ट कर रहे हो। इसलिए विकास के नाम पर यूरो अमेरिकन पैराडाइम को लेकर जो कुछ हो रहा है ये मत समझना कि जो कोई करने वाला सब कुछ करेगा, हम हमेशा उसकी कसौटी देखते हैं, निकष क्या है इसका, श्रुति युक्ति अनुभूति और आचरण। इसलिए कॉस्मिक पैटर्न के अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए, अभ्युदय होना चाहिए, उसी प्रकार से वो हमको निश्चय इसके लिए गए। अभी तो पूज्यश्री ने बताया नहीं, एक सौंदर्य लहरी को कोई समझने वाला सुने, एक समवेत कंठ में मातृशक्ति सुनाती है, आपकी कुंडली झंकृत हो जाएगी, आप सीधे खड़े नहीं रह सकते, कुंडली कांपने लगेगी, तुरंत जगेगी, ऐसा अद्भुत ये स्तोत्र। और उनका एक कितना अद्भुत कितना कृपा कहूँ या इनके अंदर से भगवान भाष्यकार प्रकट हुए, इस प्रकार मातृशक्ति एक साथ सौंदर्य लहरी का पाठ करे अगर समझने वाला हो तो तुरंत उसकी कुंडलिनी जागृत होगी, विश्व लय के साथ में लयान्वित होना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए आप यहाँ पर पधारे, निश्चित रूप से हम आपका आशीर्वाद आपकी प्रेरणा को प्राप्त करेंगे। और हम जो कर रहे हैं जैसा पूज्यश्री ने कल बताया था समवेत रूप से करना, क्योंकि युग का एक धर्म होता है, तो युग के अंदर ये प्रजातांत्रिक तत्व सारे विश्व में स्थापित तत्व उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते, साइंस और टेक्नोलॉजी है, अर्थ की एक शक्ति है, संगठन की एक शक्ति है, विवेक की एक शक्ति है, सब कुछ मिक्सअप हो रहा है। इसलिए हमारा शब्दों को कलुषित किया जा रहा है, एक संन्यास शब्द है इसको कलुषित करते ही सब कुछ आपका ध्वस्त हो जाए, क्योंकि सृष्टि के अंदर संन्यास तत्व है, हमारी संस्कृति की आत्मा है। इसलिए क्रिकेट से संन्यास ले लिया, राजनीति से संन्यास ले लिया, धर्मनिरपेक्ष हो गए, और ऐसे शब्दों को कलुषित करते करते प्रदूषित करते करते हमारी संस्कृति किस प्रकार ह्रास की ओर जा रही है। इसलिए बंधुओं ये एक अनुपम अवसर है कुंभ का, जिसके अंदर ऐसे महापुरुष यहाँ पर पधारे हैं, मिलकर के हमको सोचना चाहिए समस्याएं क्या है, उनका स्वरूप क्या है, उनका नाभिस्थान क्या है, और हमारे पास कौन सा वो महा अस्त्र है, कौन सा राम बाण है जिसके द्वारा उस नाभि को ध्वस्त करें और हम आगे बढ़ते हुए विश्व को दिखा दें। विश्व देखना चाहता है कि आपके पास भगवद गीता है, उपनिषद है, भगवान भाष्यकार आचार्य शंकर जैसी दिव्य परंपरा है, उसके रहते इस प्रकार से हम हताश न होंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। कल ही शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापर उत्तिष्ठ त्रेता भवति कृतम संपद्यते चरण चरैवेति चरैवेति चरैवेति। हम महापुरुषों के आशीर्वाद की अपेक्षा करते हुए उनके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जैसा वो आदेश देंगे हम निश्चित रूप से इसका अनुकरण करेंगे। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। जय ओम। भगवान शंकराचार्य की परंपरा में हम हैं तो इतना निराश होने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारे विश्वास को तो बचाता है। लेकिन स्वामी जी ने ही दूसरी बात एक और बड़ी प्यारी कही कि जब तक हम सशक्त नहीं होंगे तब तक हमारी ये दुर्गति होती भी रहेगी। ये भी सच, हमें सशक्त भी होना पड़ेगा, क्रियाशील भी होना पड़ेगा, कर्मठ भी होना पड़ेगा,
और अगर मैं पूज्य मुक्तानंद जी महाराज की बात से जोड़ूं तो हमें मठों के बाहर भी निकलना पड़ेगा सबको जोड़ने के लिए, धर्म को बचाने के लिए। जैसा कि स्वामी जी महाराज ने कहा कि संस्कृत भाषा को महत्व देना पड़ेगा, अपनी भाषा को भाषा से जोड़ने और जुड़ने की आवश्यकता है। ये सब कुछ हो सकता है। ये अच्छा, भाषा से जुड़ना चाहिए, धर्म का प्रचार करना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए, ये सब हम चाहते हैं कि होना चाहिए, करेगा कौन? विचार तो इस पर किया जाना चाहिए, करेगा कौन? कि अगर संस्कृत को जन जन की भाषा बनानी है तो कौन करेगा? सरकार तो कर नहीं रही है, तो वो यहां जो संत बैठे हैं हमें ही तो करना पड़ेगा। उसी के लिए ये समावेश आयोजित है कि कोई ऐसा संगठन तैयार हो कि जिसकी आवाज सरकार भी सुने। अगर आज हम कुछ कहते तो सरकार हमारी बात तो सुनने वाली है नहीं, क्योंकि हम सशक्त नहीं है, हम शक्तिहीन है। और स्वामी जी कह रहे थे कि शक्तिहीन की बात कोई नहीं सुनता है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो बहुत अच्छे विचार हैं, हमें सभी को सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। और एक बहुत बढ़िया बात कही कि अद्वैत में सबका समाधान है, उस अद्वैत सिद्धांत को भी समझने समझाने की आवश्यकता है। और वो भी समझेंगे, जरूर समझेंगे, लेकिन पहले ये जो विचारधारा है, जिस विचार को विमर्श को लेकर के हम यहाँ एकत्रित हुए हैं कि जन जन को कैसे जोड़ा जाए, हम उसके लिए क्रियाशील कैसे हों, इस पर विमर्श करना है। मैं परमादरणीय परम श्रद्धे परम पूज्य अनंत श्री विभूषित हमारे प्रिय महामंडलेश्वर पूज्य श्री स्वामी अभयानंद सरस्वती जी महाराज से भी निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि वे भी इसी विमर्श पर अपने विचार रखें। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। चिन्मयं व्यापि यत् सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। माँ भगवती के पवित्र तट पर हम लोग एकत्रित होकर के आज की इस सभा के परम पूज्य प्रातः स्मरणी परमाध्यक्ष महोदय इस सारी संकल्पना को संबोधित करने वाले श्री स्वामी हरिवर महेंद्रानंद जी महाराज, जिनसे कई बार हमारी बात भी हुई, हमारी मंच की सारी व्यवस्था को सकुशल संचालित करने वाले परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी चिदंबरानंद जी महाराज, और मूल रूप से हमारे अखाड़े के हमारे परम श्रद्धे आचार्य श्री और हमारी पीठ से श्रृंगेरी पीठ से संबंधित हमारे पूज्यपाद शंकर भारती जी महाराज जो विराजमान हैं, ये दोनों द्वय महापुरुष के चरणों में वंदन है। मंच पर विराजमान सभी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ अपने स्वरूप में निष्ठ महापुरुषों को वंदन है। आप सभी साधनरत यतिवृंद आत्मस्वरूप सभी भक्तजन, अब जिस विषय पर हम लोग परिचर्चा कर रहे हैं भगवान भाष्यकार आद्य जगतगुरु शंकराचार्य जी, जिनका स्मरण करते ही हृदय में एक भाव होता है, एक रोमांच होता है,
इतने वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले, उस काल में जब कोई साधन नहीं था, सुविधाएं नहीं थी, वो पैदल चलते हुए कैसे आए होंगे, गांव-गांव, नगर-नगर, और अपने सिद्धांत का प्रचार प्रसार करते हुए। पहली बात तो यही है कि अगर हम भगवान जगतगुरु शंकराचार्य से सीखें तो उनका जो सिद्धांत है वो तो आप लोग, हम सभी लोग स्वाध्याय करते रहते हैं, कराते रहते हैं, लेकिन आज हम लोग गांव में जाने के लिए तैयार नहीं हैं। जो ग्रामीण जनता है वहां हमारा प्रवेश नहीं हो पा रहा है। कुछ गिने चुने, किसी भी शहर में आप श्रोता को गिन लो, अगर 25 लाख की जनसंख्या होगी तो 5,000 श्रोता होंगे, 5,000 भी मैं कह रहा हूँ ज़्यादा होंगे। वही श्रोता किसी एक महात्मा के सत्संग में होंगे, उन्हीं में से 30-40% दूसरे महात्मा के सत्संग में दिखाई पड़ जाएंगे, उन्हीं में से कुछ घटते बढ़ते सब एक ही। हम लोग जहाँ पहुँचना चाहिए, कभी आप ईसाई मिशनरीज वालों को देखो, वो अपनी बाइबिल लिए गांव-गांव में घूमेगा, घर घर के जा करके दरवाजा ठोक ठोक करके वो अपनी बाइबिल को पकड़ाएगा। हम लोग अपने मठ में बैठे रहते हैं, बढ़िया बढ़िया चर्चा करते हैं। अगर भगवान भाष्यकार ये भ्रमण ना करते तो अपने सिद्धांत का कैसे प्रतिपादन कर पाते। मुझको तो पहली बात यही लगती है कि हमको अपने मठ मंदिर से निकलना होगा। मैंने कोशिश किया, मेरा सारे आश्रम मेरे ग्रामीण क्षेत्र में है, मुझको जो भी स्नेह मिला, छोटे गांव से, बाद में फिर बड़े शहर वाले जुड़े, ये मुझको पता है, लेकिन हमको ज़्यादातर जो सपोर्ट मिला, लोग मिले, जो हमको साधक मिले, शिष्य मिले, वो हमारे पास गांव के आए हैं, ग्रामीण जनता से। अगर हम गांव में जाने के लिए तैयार नहीं तो बड़े बड़े मठ में बैठ करके केवल हम चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, हम अपने इस सिद्धांत का बहुत विस्तार हम नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात मैं कहूँगा, हमको अपने आप को सरल बनाना पड़ेगा। संस्कृत भाषा में आप साहित्य का अध्ययन करिए, महाकवि बाण होंगे, भास होंगे, एक एक पंक्ति इतनी कठिन है, और भगवान भाष्यकार की शैली हम कहते हैं प्रसन्न गंभीर शैली। गीता पढ़िए, प्रसन्न, इतनी सरल भाषा में गंभीर से गंभीरतम बात है। हम लोग जब कभी चर्चा करने के लिए जाते हैं तो बड़े बड़े सिद्धांत और बड़े बड़े ऐसे शब्द, अधिष्ठान, अध्यारोप जैसे शब्द प्रयोग करेंगे, सुनने वाला ऊब जाता है, आधे सोते हैं। सही बता रहा हूँ, ये मेरा अनुभव है। जैसे अभी महाराज ने कहा श्रुत्या युक्त्या अनुभूत्या, ये मेरा अनुभव है। तो क्यों ना हम अपने आप की जो प्रतिपादन शैली है उसको सरल करें जी। आप जहाँ भी जा रहे हो, जिस अभी इसमें जब मैं देख रहा था तो एक था, अपने अपने प्रदेश में अपनी अपनी भाषा के अनुसार आप अपने सिद्धांत, मेरा वही होगा, सिद्धांत में मैं समझौता नहीं करता हूँ, लेकिन उसको थोड़ा सरल करके भी तो मैं कह सकता हूँ, सरल करके भी तो प्रतिपादित कर सकता हूँ। अब सब जगह जरूरी नहीं है कि मैं उस ब्रह्म विद्या के विषय को ही शुरू करूं, पहले उसको तैयार करना है, समाज के मनोभूमि को तैयार करना है। हमारे यहाँ पर तो अंतःकरण शुद्धि के लिए अमुक अमुक भी करो, यज्ञ भी करो, हमको कई जगह पर ऐसा लगा कि यज्ञ कराते हैं, क्योंकि वहाँ का समाज जनमानस यज्ञ से उसका लगा हुआ है। एक जगह है सीतापुर जिले में, मेरा वहाँ पर आश्रम है, ग्रामीण जनता है, वहाँ का पूरा यज्ञ प्रधान क्षेत्र है, ब्राह्मण बाहुल्य है और यज्ञ प्रधान क्षेत्र है, यज्ञ करते हैं, कराते हैं, उसी यज्ञ में हमको बुलाया, महाराज आप आकर के थोड़ा सा कुछ सत्संग भी कर दीजिए। मैं प्रवचन करना, सत्संग, वहाँ पर गौड़ था, प्रधान उनका था यज्ञ करना, वहाँ मैं गया, उस यज्ञ में गया, सारी उनकी निष्ठा उसमें है, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा, संतजनों का आशीर्वाद, गीता शुरू किया, पहले दिन 4 लोग रहे होंगे, 6 लोग रहे होंगे, ये मेरा अनुभव था। और उसके बाद आज उस जगह पर हमारे पूज्य स्वामी चिदंबरम जी महाराज देखे हैं, हमारे और संत लोग देखे हैं, आज वहाँ पर जब मैं सत्संग के लिए जाता हूँ तो हजारों लोग होते हैं। आज उनको उपनिषद भी मैंने पढ़ाया, ईशावास, कठोपनिषद, केनो
वो भी पढ़ाया, लेकिन उस जनमानस को तैयार करना पड़ेगा ना। हम सीधे चाहें कि तैयारी कोई और करे, खेत जोते आ कोई और, मेहनत कोई और करे और हम जाके फसल काटें, ये संभव हो नहीं। हमको लगता है भगवान भास्कर ने कैसे किया होगा, क्या विभूति थी। अपनी शैली को, अपनी प्रतिपादन शैली को हमको बहुत सरलतम में लाना पड़ेगा, सरल से सरल लाना पड़ेगा। हाँ, उनकी जनमानस की भाषा में। हाँ, कितने सारे विधर्मी लोग सबसे पहले लोकल भाषा को सीखते हैं, हाँ, गांव की भाषा को सीखते हैं और उसके बाद फिर उनका बढ़ता जाता है। हम लोग इसमें चूक जाते हैं। हाँ, तीसरी बात और मैं कहूँगा, एक तो मेरा है कि हमको जनमानस में पहुँचना पड़ेगा। ये भी यही कुंभ में एक कोई हमारे पास में कुछ लोग आए, उन्होंने कहा स्वामी जी हमारे यहाँ पर ऐसा ऐसा प्रोग्राम है, आप आइए। हमने कहा क्या उसका आपका उद्देश्य क्या है? उन्होंने कहा लोगों की श्रद्धा को बढ़ाना, अपने हिंदुत्व के प्रति, अपने धर्म के प्रति लोगों की श्रद्धा को बढ़ाना, ऐसे उन्होंने कहा। हमने कहा देखिए जो इस कुंभ के क्षेत्र में आ रहा है वो पहले ही श्रद्धा वाला है, वो अगर श्रद्धा ना होती तो आता कहाँ से। हमको तो वहां जाना है जहां पर श्रद्धा वाले नहीं हैं। मैं अपने पूज्य गुरुदेव को याद करता हूं, हमारे पूज्य गुरुदेव, उन्होंने किसी तीर्थ स्थान में आश्रम नहीं बनाया, ऋषिकेश में आश्रम नहीं बनाया, हरिद्वार में आश्रम नहीं बनाया, वृंदावन में आश्रम नहीं बनाया, अयोध्या में आश्रम नहीं बनाया। 180 देशों में उनकी संस्थाएं थी, हैं, चल रही हैं। पूछा गुरुदेव से ऐसा क्यों, तो गुरुदेव ने कहा जिस मोहल्ले में सब डॉक्टर ही डॉक्टर बैठे वहां में जाके काय दुकान खोलूं, ऐसे बोला। अरे हम, हमारी जरूरत वहां पर है जहां पर कोई नहीं है, जहां कोई नहीं है, हमको वहां जाना पड़ेगा, अपनी शैली को ऐसे बनाना पड़ेगा। तीसरी बात और मैं कहता हूं, एक सूत्र है सभी संतों को अनुभव है, सबको याद है, सा सर्वतंत्र प्रतितंत्र अधिकरण अभ्युगम, संस्थितस्य अर्थांतरभाव, ऐसा एक सूत्र है सबको याद होगा। चार प्रकार से सिद्धांत होता है। सर्वतंत्र एक ऐसा सिद्धांत होता है जिसको सब स्वीकार कर लेते हैं, जैसे श्रुति भगवती ने कहा सत्यम वद, ये चाहे कोई भी क्यों ना हो, गांव का हो, शहर का हो, देसी हो, विदेशी हो, हमारे धर्म को मानने वाला हो ना धर्म को मानने वाला हो, सब स्वीकार करेगा, सर्व स्वीकृत सिद्धांत है सत्यम वद। एक दृष्टांत मैंने दिया, सर्व स्वीकृत सिद्धांत। दूसरा होता है प्रतितंत्र, थोड़ा यही मुश्किल है। प्रतितंत्र एक ऐसा सिद्धांत जो मेरा अनुभव तो है, मैं तो स्वीकार करता हूं, लेकिन शायद दूसरा उसको स्वीकार न करे। प्रतितंत्र जैसे हम कह दें, हमारा भगवान भाष्यकार का एक बहुत जोर दिया, बहुत जोर दिया, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जगत मिथ्या, ये हमारा प्रतितंत्र सिद्धांत है। सत्य होते हुए भी मेरी अनुभूति से सत्य है, मेरे आचार्य की अनुभूति से सत्य है, लेकिन सब इसको स्वीकार नहीं करते। हाँ, प्रतितंत्र सिद्धांत है। तीसरा होता है अधिकरण, जिसकी सिद्धि के उपरांत दूसरे की सिद्धि हो। हाँ, जैसे प्रकाश है तो आप लोग बैठे हुए हो, आप हैं तो प्रकाश आप दिखाई पड़ रहे, यानी प्रकाश की सिद्धि पहले हो गई। अगर प्रकाश ना होता तो आप हमको देख नहीं सकते थे, मैं आपको देख नहीं सकता था। एक की सिद्धि के उपरांत दूसरी सिद्धि होती है अधिकरण, और फिर अभ्युपगम, उसका आप परीक्षण निरीक्षण करिए। हमारा विचार ये है कि जब हम कहीं समाज में जाते हैं, समाज में, तो हम ऐसे वो जो प्रतितंत्र वाला विषय है उसको हम क्यों छेड़ें। आप थोड़ा, मेरा कहने का मतलब है, महात्मा बुद्ध जब भगवान भास्कर के भी पहले थे, या जैन दर्शन भी था, उनके तो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, हमारे इसी समाज में जब उन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया होगा तो पाली भाषा में किया, भाषा उनकी जो है सरल हो गई। साथ ही साथ उन्होंने मेरे मूल सिद्धांत पर ज़्यादा प्रहार नहीं किया, अपनी बात उन्होंने रखी और हमारे समाज को उन्होंने पूरी तरह से बदल दिया, सबका सब बौद्धिस्ट होते चले गए, बिना कहे, बिना चोट किए,
अगर सीधे आप प्रहार कर दोगे, जैसे हमारा जो है आर्य समाज ने प्रहार किया हमारे मूर्ति पूजा पर, हमारा पूरी तरह से समाज उसको स्वीकार नहीं कर पाया। भगवान भाष्यकार की चित्त वृत्ति को देखो, वो चतुष जो चतुष्कोटि न्याय है, चतुष्भंगी न्याय भगवान भास्कर ने स्वीकार किया धीरे धीरे। हाँ, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लोगों ने कही दिया ना कि वो कौन है, प्रचंड बौद्ध हैं। इतिहासकार तो बोल दिए ना कि भगवान भास्कर कौन है, प्रचंड बौद्ध हैं। लेकिन भगवान भास्कर उस काल में जो समाज बना हुआ है, जिस प्रकार की चित्तवृत्ति है, उनकी चित्तवृत्ति पर सीधा ऐसे प्रहार ना करें कि पर्दा पड़ जावे और हमारी बात स्वीकार ना करें। हम अपनी बात कहेंगे धीरे धीरे जनमानस को तैयार करते हुए, जब उसका मन तैयार हो जाएगा तब हम उसको अपने सिद्धांत में ले आएंगे, फिर अपने सिद्धांत में ले आएंगे। लेकिन सीधे हम जा करके जो समाज है वो समाज किसी बात को मानता चला आ रहा है, सालों साल से मानता चला आ रहा है, और हम सीधे जाके कह दें तुम्हारी मान्यता गलत है, वो आपकी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं। हम पहले उसकी मान्यता को स्वीकार। आज आज हमको आश्चर्य लगा कि ईसाई लोग लाल कपड़ा पहन करके प्रचार कर रहे हैं, बाइबल को वेद बोलते हैं। हाँ, क्यों? हाँ, बाइबल को वेद बोलने लगे। हाँ, आज एक 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 देख लो, इस मान लो हमारे दूसरे धर्म जिसको हम नहीं स्वीकार करते, मेरा हृदय नहीं स्वीकार करता, लेकिन फिर भी उन्होंने साईं बाबा का गायत्री मंत्र बनाया। क्यों बनाया गायत्री मंत्र? आप अपना प्रचार करते, लेकिन उन्होंने हमारे साथ में घुल मिल करके और अपनी बात को रख रहे हैं। तो हम वो जो प्रतितंत्र हैं, वो ऐसे सिद्धांत को अपने अनुभव में रखें, जब समाज में कभी कोई चर्चा करनी हो, बात करनी हो, तो उस समाज के मन को देखते हुए हम अपने धीरे धीरे अपनी बात को उनके भीतर ले जाऊंगे। अगर ऐसी मेरी ये तीन बात मेरा कहने था, एक तो हमको गांव गांव जनमानस में जाना हो, अपनी भाषा को हमको सरल करना होगा, और तीसरी बात है हम ऐसी बात ना बोलें जिससे समाज हमारा बहिष्कार कर दे, किनारे कर दे। हम समाज को तैयार करें और फिर अपनी बात हम जो गंभीरतम मेरा सिद्धांत है वो उनको दें, और इस तरीके से अगर हम करेंगे तो शायद भगवान भाष्यकार की कुछ दृष्टि हम पर मिले, भगवान भाष्यकार के सिद्धांत का कुछ हम प्रचार प्रसार कर सकें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पूरे मंच को प्रणाम करते हैं, सभी संत जनों को नमन है। स्वामी हरिब्रह्मेंद्रानंद जी को बहुत बहुत साधुवाद। ऐसे कार्य करते रहिए महाराज, बहुत अच्छा लगता है, जोड़ते रहिए। जोड़ना तो ईश्वर का काम है, हाँ, तोड़ना तो समाज में होता ही होता रहता है। हाँ, जो जोड़े वो परमेश्वर का अंश है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जितने भी शांकरी परंपरा के प्राय संत हैं, सन्यासी हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं प्रचार में संलग्न हैं। जैसा कि स्वामी जी ने कहा कि गांव से जुड़े, स्वामी हमारे मुक्तानंद जी ने भी कहा कि वो गांव से जुड़े। हमारे ये प्रणवानंद जी महाराज बैठे, इन्होंने आदिवासी क्षेत्र में कार्य किया, आदिवासी क्षेत्र में कार्य जी। और स्वामी जी, हम लोग स्वामी जी आदिवासी क्षेत्र में काम किए, और मैं डाकुओं के क्षेत्र में काम किया, और बाद में मुंबई में जाके ऐसी जगह पहुंचा जहां जाने की कोई आशा नहीं कर सकता था। महाराज जी तो पधारे हैं मुंबई में, जहाँ मुस्लिम और ईसाई पूरा समुदाय से घिरा हुआ है, और वहाँ जाके हमने आश्रम बनाया और वहाँ मेहनत की। तो मेरा मतलब है, हमारे पूज्य स्वामी संवित गिरी जी महाराज भी राजस्थान में प्रयासरत हैं। मतलब प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं संलग्न है और कार्य कर रहा है, फिर भी आज समस्या दिखाई पड़ रही। तो उसका कारण है कि हम एकल दृष्टि से तो प्रयासरत हैं, जबकि संगठन के रूप में हमको प्रयास की आवश्यकता है। जैसे भगवान शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में मठों की स्थापना करके एक संगठन ऐसा बना दिया कि जहां बौद्धों को पराजित होकर एक तरह से भागना पड़ा, पलायन करना पड़ा, वो संगठन की शक्ति थी। उस संगठन की आवश्यकता है कि जहां एकल प्रयास संयुक्त प्रयास के रूप में हमको दिखाई पड़े। स्वामी जी महाराज ने बहुत अच्छा विमर्श भी रखा कि किस तरह से हम गाँव गाँव से जुड़ें, जन जन से जुड़ें, किस तरह से ऐसी बात न कहें कि जो लोगों को सीधे स्वीकार्य न हो, धीरे धीरे जमीन तैयार करके फिर अपनी बात कहें।